शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बाहर नियति के मदर इंडिया वाले रोल को देखकर तो मैं घबरा ही गई थी, लेकिन अब आएगा मजा जब माँ जी उस पर बरस रही होंगी और वो मुंह छिपाने की जगह ढूंढ रही होगी। एक और मौका, क्यों दूं मैं तुम्हें एक और मौका? लेकिन अब मैंने मान लिया है, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। वैसे तुम्हें तो पता होगा ना कि तुम्हारे पापा मथुरा की कौन सी गलियों में घूम रहे और क्या कर रहे। जो बात आधी दुनिया को पता है वो बात हमें पता नहीं है। तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई क्यों? जवाब दो, बोलती क्यों नहीं? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पापा, जो हर तरह से बेकसूर है, उन पर एक और नया इल्जाम लग जाए और ये कहा जाए कि वो कसूरवार थे, इसलिए मैदान छोड़कर चले गए। मैं सच बता भी देती तो क्या सब लोग यकीन करते? मैं डर रही थी कि अब की बार जो सच बोलूंगी उससे पता नहीं क्या हो जाएगा। डर था मुझे कि कहीं एक बार फिर मेरी दलील को बकवास या बहस ना समझा जाए। समय दे दे के थक चुकी थी मैं। लेकिन मम्मी जी, इस बार मैं सब कुछ बताऊंगी। मैंने कन्नू का साथ दिया इसलिए क्योंकि मैं कन्नू को खुश देखना चाहती थी। वो लड़का ही लेकिन दगाबाज दिखला। मम्मी जी, मुझे सच में नहीं पता अखबार में वो खबर किसने छपवाई, लेकिन मैंने नहीं छपवाई थी। उस लड़के अतुल के खिलाफ मैं धर्म युद्ध कर रही हूँ, लेकिन इसलिए क्योंकि उसने हमारे कन्नू के साथ विश्वासघात किया है। इस घर की बदनामी हुई है उसकी वजह से, हमारा पूरा परिवार समाज में बदनाम हुआ। और रहा सवाल मेरी मम्मी के अकाउंट में इतनी बड़ी रकम डालने का, तो वो अंबर ने इसलिए डाली थी ताकि उसके ब्याज से मेरी मम्मी के घर का किराया चल सके। और मैं अपने हर महीने की तनख्वाह यहाँ आपके हाथ में देने वाली थी। अंबर ने वो सब अपनी मर्जी से किया था मम्मी जी, मेरे कहने पर नहीं। और मेरे निर्दोष पापा, वो उस पार्लर में सिर्फ इसलिए 10,000 के लिए काम करते थे क्योंकि उन्हें अपनी शादीशुदा बेटी से पैसे लेना अच्छा नहीं लगता था। अगर पापा को उस पार्लर की असलियत का जरा सा भी अंदाजा होता तो पापा वहां कभी काम नहीं करते। जब पुलिस ने उस पार्लर में रेड डाली तो पापा तो खाना खा रहे थे और अन्नी हर रोज की तरह अपने घर से खाना लेकर गई थी। उसके बाद जो कुछ भी हुआ सब जानते हैं। पापा से इतनी जिल्लतें बर्दाश्त नहीं हुई इसलिए वो अपने घर और इस समाज से दूर चले गए। निशाने पापा कहाँ पर है? पापा के जाते निशाने कौन कौन से लोग अपना उधार वापस मांगने आ गए?
भगवान ही जानता है पापा ने उनसे उधार लिया अभी तक कि नहीं। जब उन कर्जा मांगने वालों की बातें बर्दाश्त नहीं हुई तो मैंने अपने कंगन गिरवी रख दिए। सोचा था अपनी अपनी तनख्वाह से धीरे धीरे कर्जा चुका दूंगी और कंगन वापस ले आऊंगी, लेकिन यहां भी नियति ने मुझे ही गुनहगार बना दिया। बस अब यही बाकी रह गया था। अरे तुम्हारे पापा और तुम्हारी बहन इस खानदान की इज्जत को तो पहले ही उछाल चुके हैं शहर में। इस खानदान की पुश्तैनी धरोहरें भी लुटानी शुरू कर दी है। तुम्हारे कंगन कहाँ है? पहले ही वो जौहरी आकर आपको बता गया कि मैंने अपने कंगन उसके पास गिरवी रखे हैं। मम्मी जी, अब तो सिचुएशन ये आ गई है कि मैं पूरी तरीके से आपका विश्वास खो चुकी हूँ। मेरे पापा अपने आप से हार कर घर से चले गए, पता नहीं कहाँ। बेटी हो के लेकिन वो आज भी मेरे साथ है। छोड़ के बाबुल की मेरे हौसलों में, मेरे विचारों में, मेरे दिल में, मेरी कमजोरियों में, मेरे संस्कारों में लगती है किश्तों में। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि पापा को और गलत समझा जाए। इसलिए मैंने बस किसी को नहीं बताया कि मेरे पापा घर छोड़ के चले गए। आखिर इतना हक तो देंगी ना एक बेटी को कि कुछ भी करके अपने सच्चे लेकिन मजबूर पिता के मान सम्मान को बचाए रखे। ये तो कोई गुनाह नहीं है ना मम्मी जी? लेकिन तुमने गलती की है और तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। वैशाली, क्योंकि तुम सजा की हकदार हो। वैशाली, आज रात के खाने के समय तुम्हें तुम्हारी सजा सुनाई जाएगी। इस साहिल से उस साहिल तक। अब तो ऐसा लगता है जैसे नियति की कोई गलती थी ही नहीं, ऐसे ही हम लोग बेचारी को। सुनिए, चाय पी लीजिए। इधर आइए, बैठिए। मैडम एक बात बताइए, क्या आप चेहरा देखकर किसी के मन का हाल जान सकती हैं? नहीं तो? अगर नहीं तो फिर नियति के खिलाफ इतनी सारी बातें होने के बावजूद तुमने ये कैसे कहा कि वो गलत नहीं है, जबकि हम सब ने मान लिया था कि नहीं नियति की ही गलती है, लेकिन तुमने कहा वो गलत फहमी का शिकार है। मतलब आपको भी लगता है कि नियति गलत नहीं है, गलत फहमी का शिकार है? वैसे उस हालात में अगर हम में से कोई भी होता ना, तो क्या वो वैसा नहीं करता जैसा नियति ने किया? आप सही कह रहे हैं समीर। अफसोस इसी बात का है कि हम में से किसी ने भी अपने आप को उसकी जगह रखकर नहीं देखा। अब पता नहीं खाने के वक्त माँ उस बेचारी को कौन सी सजा देने वाली है, लेकिन उनके फैसला सुनाने से पहले मुझे उनसे जरूर बात करनी पड़ेगी। मैं उनसे बात करके आता हूँ रोहिणी। अरे चाय तो पी के जाइए, तब तक बहुत देर हो जाएगी।
मैं कहती थी ना नियति, एक बार हिम्मत करके सच बोल दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। और देखो शुरुआत यहीं से हो गई। जिसने हमारी फैमिली के लिए इतना किया, हमारे परिवार के लिए इतना अच्छा सोचा, हमने सोचा भी कैसे कि वो गलत है? ये तो फिर से नियति को मदर इंडिया बनाने के मूड में नजर आ रही है, क्योंकि माँ जी ने कहा है कि वो गलत है। और माँ जी तो गलत नहीं हो सकती ना। क्यों, माँ क्यों नहीं गलत हो सकती? वैसे इन हालात में मुझे माँ की गलती कम और गलतफहमी ज्यादा नजर आ रही है। और वैसे भी हमने उनकी गलतफहमी को दूर करने के लिए आखिर किया क्या है? कुछ भी तो नहीं किया। नहीं नहीं, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ समझते हुए जानते बूझते अगर हमने नहीं किया ना, तो वैशु ऐसे हालात में सबसे गलत कौन होंगे? हम। तुम ये जो सेम सिचुएशन अपने पे अप्लाई करके देखो। मान लो कि अगर तुम्हारी मॉम को पैसे की जरूरत पड़े और मैं उनके अकाउंट में पैसे डाल दूं, तो उसमें क्या गलत है? कुछ गलत है क्या? नहीं ना, आखिर रिश्तेदार ही तो मुसीबत में काम आते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे माँ से बात करनी ही होगी, लेकिन माँ से बात करने से पहले मैं समीर भैया से बात करता हूँ। ऋषि, ऋषि, ऋषि भी ये मान रहा है कि नियति सही है। अगर घर के बाकी लोग भी यही मानने लगे तो मेरे हाथ से तो ये पासी गई। सुनी, लोगों की बातें आपने सुनी, लेकिन ये तो होना ही था। अरे जब इन लोगों ने सीता माता को नहीं बख्शा, तो मैं क्या चीज हूं? मैं तो एक मामूली सी औरत, श्रीमती भारती शर्मा हूं, जिसका कसूर सिर्फ इतना है कि शर्मा जी उसे छोड़कर चले गए। मुझे माफ कर देना जी, मैं लोगों के मुंह तो नहीं बंद कर सकती, लेकिन अब मैं अपना मजाक भी नहीं बना सकती। मैं ये सब सिर्फ शांति से जीने के लिए कर रही हूँ। मुझे माफ कर देना जी, मुझे माफ कर देना। आज से कोई साज नहीं, कोई सिंगार नहीं, लेकिन ये माथे की सिंदूर, ये माथे की सिंदूर मेरी सुहाग की निशानी है। ये मेरे साथ हमेशा रहे। अरे भाई साहब, आप कब आए? देखिए ना, आज ही उनका फोन आया था कि मथुरा से आने का मन ही नहीं कर रहा है। बस 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 कीजिए भाभी जी, आपने मुझसे भी छुपाया, मुझे सब पता चल चुका है, वो भी किसी गैर से, वरना आप लोग, हमारी छोटी बहू, आप सब ना जाने ये बात कब तक मुझसे छुपाए रखते कि शर्मा जी घर छोड़कर चले गए हैं। भाभी जी, समधी होने से पहले शर्मा जी मेरे दोस्त थे, अपने दिल का हाल मुझसे बांटते थे, लेकिन उन्होंने भी नहीं बताया। भाभी जी, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, शर्मा जी पाताल में भी अगर छुपे होंगे ना,
तो उन्हें मैं पाताल से निकालकर इस घर में लाऊंगा। मैं आपके लिए चाय ला। नहीं, चाय भी मैं उसी दिन पीऊंगा यहीं बैठकर शर्मा जी के साथ। घबराओ मत, माँ चाहे हमें जो भी सजा दे वो हम दोनों साथ मिलकर भुगतेंगे। नियति, हीरे लेते वक्त जो हमने एक दूसरे से वादा किया था ना कि हम अपनी हर चीज शेयर करेंगे, ये मौका है उसे निभाने का। अब तुम फिक्र क्यों कर रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दुख हो रहा है मुझे, पहले ही मैंने हिम्मत करके मम्मी जी को सच क्यों नहीं बताया। पता नहीं क्यों मैं ऐसी गलतियां करती हूँ। क्योंकि तुम एक नॉर्मल लड़की हो और नॉर्मल लोग गलतियां करते हैं, और उनमें से जो अच्छे लोग होते हैं ना वो अपनी गलतियां मान लेते हैं। इसलिए तुम अपनी ये गिल्ट भरी बातें बंद करो, हौसला रखो, क्योंकि हारता वही है जो हिम्मत हार जाता है। ये लो, तुम्हारी मम्मी का है। हेलो, क्या मैं जानती हूँ मम्मी, पापा के दूर जाने के बाद भी मैं चाहती थी कि पापा नजदीक रहे। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी, पापा घर गए थे मम्मी से मिलने। ये हमारे खानदान की पुरानी धरोहर है जो एक सास पूरे विश्वास के साथ अपनी बहू को सौंपती है। अरे तुम्हारे पापा और तुम्हारी बहन इस खानदान की इज्जत को तो पहले ही उछाल चुके हैं शहर में, इस खानदान की पुश्तैनी धरोहरें भी लुटानी शुरू कर दी है। जो गलती करता है ना वो गलत ही होता है और सजा का हकदार भी होता है। और नियति, तुमको इस गलती की सजा जरूर मिलेगी। मैं भी तुमसे यही बात करना चाह रहा था ऋषि। अरे सच में भैया? भैया तो फिर चलिए अभी जाकर दोनों माँ से बात करते हैं। चलो। अब वक्त आ गया है। मैंने कहा था ना आज रात के खाने के समय इन लोगों को सजा सुनाई जाएगी।